नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई एफएम नीति को लेकर 29 अक्टूबर के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक जो आयोजित होने वाली थी, किसी कारणवश वो 28 अक्टूबर को बैठक आयोजित हो गई है और जिसमें नई एफएम नीति को लेकर रूपरेखा तैयार हो गई है। किस आधार पर नई एफएम नीति घोषित होने वाली है, जो या तो 29 से 30 अक्टूबर को नई एफएम नीति घोषित हो जाएगी, तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी को डिटेल से देखने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो नई एफएम नीति का प्रारूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते। तो चलिए हम देख लेते हैं पूरी जानकारी। चलिए हम देख लेते हैं दसपुर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की कटिंग को। निर्धारित तिथि से पहले हुई बैठक में एफएम नीति 2024-25 का प्रारूप तय। सीपीएस के तहत प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम या अधिक औसत से डोड़े देने वाले को परंपरागत खेती के लाइसेंस। तो चलिए पूरी जानकारी क्या है। अफीम फसल वर्ष 2024-25 के लिए प्रतीक्षित नई अफीम नीति के निर्धारण की दिशा में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर मंगलवार 29 अक्टूबर की शाम आयोजित बैठक अपरिहार्य स्थितियों के चलते एक दिन पूर्व यानी 28 अक्टूबर की शाम ही आयोजित कर ली गई है और देर रात तक चली इस बैठक में अनंत नई अफीम नीति का निर्णायक प्रारूप तय कर लिया गया है। तो किसान भाइयों, जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो अध्यक्षता में 29 अक्टूबर को जो बैठक आयोजित होने वाली थी, वो किसी कारणवश एक दिन पहले यानी कि कल के दिन 28 अक्टूबर को ही हो गई है और उसमें नई एफएम नीति की प्रारूप रेखा तय हो गई है। किस आधार पर किसानों को पट्टे दिए जाएंगे, देखते हैं पूरी जानकारी को। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई एफएम नीति के निर्धारण के संदर्भ में 29 अक्टूबर की शाम वित्त मंत्रालय में बैठक आहूत की थी, किंतु उच्च स्तरीय अपरिहार्य कारणों के चलते अनायास बैठक का आयोजन समय के एक दिन पूर्व 28 अक्टूबर की शाम को ही करना पड़ा। तदनुसार वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में नई एफएम नीति के लेकर प्रस्तावित विभिन्न प्रारूपों पर व्यापक चर्चा करते हुए फाइनल प्रारूप तय कर लिया गया है, जिसका राज्य पत्र में प्रकाशन के उपरांत संभवतः 29 से 30 अक्टूबर को नई नीति की विविधता घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि किसान भाइयों, 29 अक्टूबर आज या फिर 30 अक्टूबर कल के दिन, इन दो दिन में कभी भी नई एफएम नीति का जो प्रारूप राजपत्र जो जारी होता है वो जारी हो सकता है। यद्यपि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा स्वीकृत नीतिगत प्रावधानों का विस्तृत विवरण नीति के राजपत्र में प्रकाशित प्रारूप के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, फिर भी बैठक में निर्णायकों के बारे में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एफएम नीति वर्ष 2024-25 के लिए जो प्रावधान फाइनल किए गए हैं उनका हम यथावत विवरण प्रकाशित कर रहे हैं। भाग एक है जिसमें परंपरागत अफीम उत्पादन पद्धति को लेकर नीति है। जानकारी के अनुसार जिन किसानों ने फसल वर्ष 2023-24 में जो अफीम सरकार को सौंपी थी, उनके शुद्धता परिणाम के मार्फिन की मात्रा का औसत 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अधिक पाया गया है, उनको पुनः चीरा लगाकर अफीम निकालने की परंपरागत खेती के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन किसानों की अफीम के प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम औसत से कम मार्फिन पाया गया है, उनके लाइसेंस इस बार परंपरागत अफीम में नहीं रख पाएंगे और इनके सीपीएस के तहत पट्टा मिलेगा। यदि उनकी अफीम में मार्फिन का औसत न्यूनतम 3 किलो प्रति हेक्टेयर तक पाया गया, इससे कम मार्फिन औसत पर पट्टा कट जाएगा। यानी कि किसान भाइयों, पहली जो शर्त है इसमें बताया गया है कि जिन किसान भाइयों का मार्फिन 4.2 किलोग्राम से अधिक है तो उनको लूनी चीनी के अंतर्गत अफीम के पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन जिनका 4.2 से कम और 3.0 से अगर अधिक है तो उन्हें सीपीएस के तहत पट्टा दिया जाएगा, लेकिन जिनका 3 से कम है उन्हें सीपीएस से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनका पट्टा कट जाएगा। भाग टू में है सीपीएस पद्धति के तहत उत्पादन को लेकर नीति है। इसमें है आधिकारिक जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री की स्वीकृति के अनुरूप यह तय किया गया है कि जिन किसानों ने वर्ष 2023-24 में सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की काश्त की है और सरकार को प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम या अधिक औसत से बिना चीरा लगे डोड़े दिए हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप वर्ष 2024-25 में परंपरागत पद्धति के अंतर्गत चीरा लगाकर अफीम निकालने का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि जिन किसानों ने पिछले सीजन में प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम औसत से कम डोड़ा सरकार को दिया है, उनका पट्टा तो बवाल रहेगा किंतु एक साल के लिए होल्ड पर कर दिया जाएगा, यानी वह वर्ष 2024-25 में अफीम खेती नहीं कर पाएंगे। ऐसे सभी किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 में अपनी उपज सरकार को दी और अफीम में मार्फिन की औसत मात्रा 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इससे अधिक किंतु 4.2 किलोग्राम से कम पाई है, उनका पट्टा नहीं कटेगा और उनको सीपीएस के तहत पट्टा
सीपीएस के तहत इस बार पट्टा दिया जाएगा। यानी कि किसान भाइयों, इसमें बताया गया है कि जिन जो भी किसान भाई सीपीएस के तहत खेती कर रहे थे 2023-24 में, उन्होंने अगर यदि प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम के हिसाब से अगर सरकार को डोड़ा दिया है तो उन्हें इस वर्ष 2024-25 में लूनी चीनी के अंतर्गत पट्टा मिलेगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम से अगर कम सरकार को डोड़ा दिया है तो उनका पट्टा कटेगा नहीं, लेकिन एक साल के लिए होल्ड पर रख दिया जाएगा, उनको अगले साल पट्टा दिया जाएगा। और जिन किसान भाइयों का औसत लूनी चीनी में 3 से 4.2 के अंदर रहा है उन्हें सीपीएस के तहत पट्टा मिलेगा। भाग तीन में है वर्ष 1995 और 96 से पुराने कटे लाइसेंस की पुनः बहाली। यानी कि प्रमाणित सूत्रों के अनुसार किसानों के लंबे समय से चली आ रही मांग को गौर करते हुए इस बार वर्ष 1995-96 में जिन किसानों के लाइसेंस रद्द हो गए थे उनको निर्धारित आधार के अनुसार वर्ष 2024-25 में पुनः लाइसेंस प्रदान कर खेती से जुड़ने का अवसर देने का भी निर्णय लिया गया है। यह इस श्रेणी के पात्र किसानों को सीपीएस पद्धति के अंतर्गत लाइसेंस मिलेगा। यानी कि किसान भाइयों, 1995-96 से जिन भी किसान भाइयों के पट्टे कट गए थे उन्हें इस वर्ष 2024-25 में अफीम के पट्टे जो पात्र पाए जाएंगे उस आधार पर उन्हें पट्टे देने की रहेगी। पात्र किसानों को समान रूप से 10-10 आरी के लिए मिलेंगे लाइसेंस। यानी कि जो भी पात्र किसान पाए जाएंगे उनको सभी को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। यद्यपि नीतिगत प्रारूप के आने के बाद ही सभी तथ्यों का प्रमाणित रूप से स्पष्टीकरण हो पाएगा, लेकिन प्रमाणित सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले साल की तरह इस बार भी दो प्रकार की पद्धतियों में लाइसेंस के लिए पात्र किसानों को 10-10 आरी के पट्टे मिलेंगे। लाइसेंस की पात्रता हेतु अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत प्रावधान, यानी कि लाइसेंस उन किसानों को ही दिए जाएंगे जो इस वर्ष पात्र पाए जाएंगे, और सभी किसानों को 10-10 आरी में पट्टे दिए जाने की पात्रता इस वर्ष भी रहेगी। तो लाइसेंस ऐसे सभी किसान जिन्होंने विभाग की देख रेख में निर्धारित नियमों और अवधि के अनुसार संपूर्ण अफीम की फसल के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जुताई की हो उनको फिर से लाइसेंस मिलेगा। ऐसे सभी किसान जो फसल वर्ष 2023-24 में लाइसेंस पाने के पात्र थे किंतु किसी वाजिब कारणों के लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए, या जिनका लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, जिन्हें लाइसेंस जारी होने के बाद भी किसी उचित कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की हो उनको फिर से लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि किसान भाइयों, पिछले वर्ष 2023-24 में किसी कारणवश आपको लाइसेंस नहीं मिला या आप पात्र थे या किसी कारणवश आपने खेती नहीं की तो आपको इस वर्ष लाइसेंस दिया जाएगा। इस संदर्भ में स्पष्ट कर दे कि नीतिगत अन्य प्रावधानों का विस्तृत विवरण अफीम नीति की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिल पाएगा। हमने किसानों की जिज्ञासा को देखते हुए अधिकतम प्रयास करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटाकर या प्रस्तुत करने में ईमानदार प्रयास किया है। गुंजाइश नहीं के बराबर है, लेकिन नीतिगत प्रावधानों के कुछ शाब्दिक फिर बदल संभव है। यानी कि किसान भाइयों, इस न्यूज़पेपर में जो कटिंग का हमने वीडियो बताया इसमें स्पष्ट है कि ये इस आधार पर नई अफीम नीति घोषित होने की संभावना है। अभी जब तक नई अफीम नीति का राजपत्र जारी नहीं हो जाता है तब तक पूरी ये जो इसमें बताया गया है उसको 100% सत्य नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसी आधार पर अफीम नीति घोषित होने की पूरी पूरी संभावना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर देख लेते हैं। बैठक में निर्धारित मुख्य नीतिगत बिंदु हैं, प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 4.2 किलोग्राम औसत मार्जिन देने वाले किसानों को पुनः मिलेंगे पारंपरिक खेती का पट्टा, ये हमने बता दिया है आपको। 1995-96 से लाइसेंस जिनके कट गए थे या किसी कारणवश खेत नहीं मिले थे और जो इस वर्ष पात्र पाए जाए उनको भी इस वर्ष दिया जाएगा। सीपीएस के तहत प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम औसत से कम देने वालों को एक साल के लिए पट्टा होल्ड पर रहेगा। और 29 और 30 अक्टूबर को नई अफीम नीति का जो राजपत्र जारी होता है वो होने की संभावना है। तो वो राजपत्र जब जारी होगा पूरा सटीक विश्लेषण लेकर हम आप तक इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।